Okay, students, now I'm starting your third science class. I hope you have read page number 2 and 3 of your book, and then you will be listening and watching this video. Chapter number 1, the nervous system. What is nervous system? नर्वस सिस्टम क्या होता है ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कोई भी सिस्टम आपकी बॉडी में बनता कैसे है. सबसे पहले आपकी बॉडी को बनने के लिए ज़रूरत होती है सेल्स की. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जिंदगी का एक स्मॉल यूनिट है एंड सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सेल जो है ज़िंदगी बनाने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए जिस तरह हमें एक ब्लॉक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें एक लाइफ को बनाने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल्स की ज़रूरत होती है. जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में ज्वाइन हो जाएं और एक साथ काम करने लग जाएं, तो वहाँ पर जाके जब सेल्स के ग्रुप कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं या कोई स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम देते हैं, तो उसे हम कहते हैं टिश्यूज़. जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ वर्किंग करें टुगेदर, आपस में मिलकर, और कोई एक स्पेसिफिक जॉब को सर अंजाम दें, तो वो कहलाते हैं ऑर्गन्स. जब बहुत सारे ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ काम करना स्टार्ट कर दें और कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब को सर अंजाम दें, यानी कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब करें, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. जिस तरह आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में 3 सिस्टम्स पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, तीनों सिस्टम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे. ये डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते थे. इसी तरह नर्वस सिस्टम भी कुछ पार्ट से या कुछ ऑर्गन से मिलकर बना है. पहले हमें ये पता होगा कि नर्वस सिस्टम है क्या. ये कोई भी सिस्टम अकेले काम नहीं करता. कोई भी ऑर्गन को, या सेल्स हों, टिश्यूज़ हों, ऑर्गन हों, ये अकेले वर्क नहीं करते, बल्कि ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, यानी एक दूसरे से रابطہ रख के वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. कोई भी सिस्टम, या कोई भी आप कह लें, सिस्टम ना कहें, अगर आप कहें कोई भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन्स कि इंडिपेंडेंटली वर्क करें, तो ये कहना गलत होगा कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. कोई भी सेल या टिश्यू या ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते, बल्कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जब भी वो जाकर बनता है एक सिस्टम. अब हमारे पास जो सिस्टम है वो है नंबर 4 सिस्टम, नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम को अगर हम कहें तो ये सिस्टम जो है बॉस है हमारी बॉडी का. नर्वस सिस्टम इज़ अ बॉस ऑफ आवर बॉडी, हमारे पूरे जिस्म का बॉस. अब तक जो हमने 3 सिस्टम्स पढ़े थे, उसमें से कोई सिस्टम हमारी बॉडी का बॉस नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि वो अपना अपना इंडिविजुअल फंक्शन प्ले करते थे, अपना एक अलग सिस्टम परफॉर्म करते थे. बट नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमारी बॉडी में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ और तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करता है. इसीलिए इसको कहा जाता है बॉस ऑफ आवर बॉडी. अगर हम डेफिनेशन देखें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड नर्व्स दैट सेंड सिग्नल्स अराउंड द बॉडी. नर्वस सिस्टम जो है वो नेटवर्क है ऑर्गन्स का एंड नर्व्स, यानी नसों का, जो सेंड करता है सिग्नल्स. सिग्नल्स मीन्स मैसेजेस सेंड करता है और उसके रिप्लाई रिसीव करता है अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में. यानी इसका लिंक पूरी बॉडी से होता है, इसका लिंक कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स या कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन से नहीं होता, इसका लिंक आपकी पूरी बॉडी से होता है. नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होते हैं, अब हम ये पढ़ लेते हैं. फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल थिंग्स वी डू, इंक्लूडिंग ब्रीथिंग, स्मेलिंग, मूविंग एक्सेट्रा. नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हर वो चीज़ जो हम कर रहे होते हैं उसे, चाहे हम सांस ले रहे हों, चाहे हम हरकत कर रहे हों, चाहे हम सूंघ रहे हों, चाहे हम टेस्ट कर रहे हों, चाहे हम देख रहे हों, कोई भी काम जो हमारी बॉडी कर रही है उसको कंट्रोल करता है. नर्वस सिस्टम का सेकेंड फंक्शन ये होता है, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, मैं आपको कुछ मेन फंक्शंस बता रही हूँ. सेकेंड फंक्शन नर्वस सिस्टम का ये है कि नर्वस सिस्टम कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, डिसाइड हाउ द बॉडी शुड रिस्पॉन्ड एंड कंट्रोल दैट रिस्पॉन्स. नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इन्फॉर्मेशन को, यानी जो मालूमात उसे मिल रही है उसे वो, सॉरी, कंट्रोल नहीं, कलेक्ट करता है, जमा करता है. अबाउट चेंजेस, चेंजेस के, यानी क्या चीज़ तब्दील हो रही है बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर, आपके सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई चीज़ तब्दील हो रही है, कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो आपकी बॉडी उसे भी डिटेक्ट कर लेती है. किसकी मदद से? नर्वस सिस्टम की मदद से. बॉडी के अंदर होने वाली चेंजेस तो ऑब्वियसली वो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन बॉडी के बाहर की चेंजेस को भी वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसकी मालूमात को जमा करता है और फिर आपकी बॉडी को ये बताता है
कि जो भी काम हो रहा है उसको, उसके लिए आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, किस तरह आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह आपने उसको बताना है कि आपकी बॉडी क्या करे, आपकी बॉडी को बताता है कि उसे करना क्या है एक्चुअली। जब वो ये बता देता है तो आपकी बॉडी, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने ख़तरा है जैसे आग लग गई है, तो आपको फील होगा कि हीट हो रही है यानी वार्म, आपको गर्मी महसूस होगी, हॉटनेस फील होगी, और इस हॉटनेस से आप डिटेक्ट करेंगे कि आपके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ हो रहा है, और आपकी बॉडी उस जगह से पीछे हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये किसकी मदद से होगा? ये मदद से होगा नर्वस सिस्टम की। आपकी आइज़ हैं, आइज़ को कोई भी चीज़ ख़तरा महसूस होता है कि आँखों में डस्ट जा रही है, जब आंधी आती है डस्ट होती है बहुत ज़्यादा, वेदर डस्टी हो जाता है, तो आपकी आइज़ एकदम ब्लिंक करने लग जाती हैं, आपकी आइज़ बंद और खोल बंद होने लग जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि कोई ख़तरा है, कोई पार्टिकल है जो इर्द गिर्द घूम रहा है आपके, जो आपकी आइज़ में जा सकता है। तो वो डस्ट पार्टिकल से आपकी आइज़ को बचाने में हेल्प कौन करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट होता है टू पार्ट्स पे। नंबर वन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। यानी अगर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो मैंने CNS और PNS से इंडिकेट कर देते हैं, अदरवाइज इनकी फुल फॉर्म ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस यानी कि नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, इनको हमारी बॉडी में दो हिस्सों में कर दिया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके भी मज़ीद दो पार्ट्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या टू ऑर्गन्स, नंबर वन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट होता है या उसके कौन से हिस्से पार्ट्स होते हैं? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है नर्व्स पे। आपकी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं, ये तमाम नर्व्स कंसिस्ट करती है या इनका लिंक होता है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, ये उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही होती है। आपकी पूरे जिस्म में अगर आप पेज नंबर 3 पे डायग्राम देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा पूरा एक नेटवर्क है नर्व्स का, और ये नर्व्स आपके बॉडी के हर पार्ट में, चाहे वो पार्ट छोटा हो चाहे वो पार्ट बड़ा हो, बॉडी के हर पार्ट में ये नर्व्स जाती हैं और बॉडी के हर पार्ट से मैसेजेस कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन से वापस उसका रिप्लाई लेके बॉडी के पार्ट्स तक देती हैं। यानी ये कनेक्टिंग है, कम्युनिकेशन का काम करती हैं, रबते का काम करती हैं, यानी कि मैसेजेस को ले जाना और उसे वापस लाना, ये तमाम काम कौन करता है आपकी बॉडी में? नर्व्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें आपके पास आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम ये बात करते हैं कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड होते हैं, वेयर इज़ लोकेटेड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ मौजूद होते हैं। ब्रेन लाइज अपर साइड ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्टेड विद स्कल। ब्रेन आपकी बॉडी के ऊपर वाली साइड पे मौजूद होता है और इसको हिफाजत की गई है इसकी स्कल से, यानी खोपड़ी से, जो हड्डियों से बनी हुई एक पूरा आपका स्कल है उसके अंदर ये मौजूद होता है आपका ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या है कि क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी फंक्शन, या आपकी बॉडी में होने वाली जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसको कंट्रोल करता है। रिसीव करता है मैसेजेस, रिसीव एंड सेंडिंग मैसेजेस थ्रू नर्व्स। नर्व्स के ज़रिए मैसेजेस लेता है और उसको रिप्लाई करता है, यानी उसको जवाब भी पहुँचाता है। यानी लेना और देना मैसेजेस का काम कौन करता है? आपका ब्रेन। लेकिन ये मैसेजेस ब्रेन तक पहुँचाने का और उसे वापस ले जाने का काम कौन करती है? नर्व्स। ये नर्व्स के ज़रिए कनेक्ट होता है। देन नंबर टू इज़ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ब्रेन लिंक्स विद स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का ताल्लुक होता है स्पाइनल कॉर्ड से। यानी अपर साइड पे अगर ब्रेन है तो लोअर साइड पे आपके मौजूद होता है आपकी बैकबोन के पास, बैकबोन के साथ नीचे एक लोकेटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आपकी बैकबोन से कवर्ड किया गया है, आपकी कमर की हड्डी या जिसे आप कहते हैं रीढ़ की हड्डी, इसके पास ये नीचे की तरफ मौजूद होता है स्पाइनल कॉर्ड। इसका ब्रेन के साथ लिंक होता है, यानी ब्रेन और ये आपस में लिंक होते हैं, ज्वाइन होते हैं। इन द इट इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल द फंक्शंस बॉडी नीड अलाइव लाइक डाइजेशन, ब्रीथिंग एक्सेट्रा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड इन चार्ज है, यानी जैसे आपके स्कूल में एक मैडम होती हैं, एक कोऑर्डिनेटर होते हैं, इस तरह कोऑर्डिनेटर के परफॉर्मेंस यानी एक इंचार्ज की जो सीट है वो किसके पास होती है आपकी बॉडी में? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी बॉडी में होने वाले वो फंक्शंस जो आपको ज़िंदा रखते हैं, लाइक डाइजेशन, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ये वो तमाम फंक्शंस हैं जो आपको ज़िंदा रखते हैं, एक्सक्रीशन। इन तमाम फंक्शंस को जो इंचार्ज, जो इसको इन तमाम फंक्शंस की देखभाल करे या इनको कंट्रोल करे, वो करता है स्पाइनल कॉर्ड।
नाउ आती है बात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास आता है नर्व्स। जी स्टूडेंट्स, तो नर्व्स क्या होती हैं? अ बंडल ऑफ फाइबर्स। नर्व्स क्या हैं? नर्व्स आर बंडल ऑफ फाइबर। नर्व्स जो हैं फाइबर का बंडल होती हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होती है, पूरा एक इनका नेटवर्क बना हुआ होता है, इनका आपस में एक दूसरे से लिंक होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अगर आइज की नर्व है तो उसका हमारी नोज की नर्व या हमारे हैंड की नर्व से कोई लिंक ना हो, बल्कि इनका आपस में लिंक होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? रिसीव एंड सेंड मैसेजेस बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। जिस्म और दिमाग के दरमियान मैसेजेस को रिसीव करना और भेजने का काम करती हैं, यानी ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाती हैं और फिर ब्रेन जो इसका रिप्लाई देता है वह आपकी बॉडी के उस पार्ट तक, जिस भी पार्ट ने उससे वो क्वेश्चन किया होता है उसे वो आंसर, उसका रिप्लाई पहुंचाती हैं। अब बात आती है आपके तीन पार्ट्स जो आपने पढ़े, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये तीनों किससे मिलकर बने, यानी किससे बने हुए हैं? ये तीनों मेड हुए हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन इज़ अ सेल। न्यूरॉन जो है सेल है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी सेल से बनी है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, हमारे हर ऑर्गन के पास सेल्स हैं, यानी किडनी के सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, हर चीज़ के सेल हैं, लिवर सेल्स हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन के भी सेल्स होते हैं। अब ब्रेन के या हमारे नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं, इनको हमने एक स्पेसिफिक टर्म देकर अलग कर दिया, ताकि ये एक सबसे एक हटकर लगे। लाइक हमने इसको टर्म दी थी न्यूरॉन्स की। हम इसको चाहें तो ब्रेन सेल भी कह सकते हैं और हम इसे चाहें तो नर्व सेल भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसे कहें न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन से हमें ये पहचान होगी कि ये कहाँ का सेल है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं जो ब्रेन में भी मौजूद होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होते हैं और नर्व्स में भी मौजूद होते हैं। इनके ज़रिए जो भी मैसेजेस हमें ब्रेन तक पहुंचाने हो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से, या ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड और नर्व तक कोई मैसेजेस पहुंचाना हो, वो तमाम काम करने का जो भी काम है वो करते कौन है? वो आपके न्यूरॉन्स करते हैं। अब न्यूरॉन के लिए हम ये पढ़ेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी न्यूरॉन किस चीज़ से मिलकर बना है, न्यूरॉन क्या वर्क करता है। तो जितना भी मैसेजेस आपकी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, जो ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन जिसका रिप्लाई करता है, ये सब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। जैसे आप देखें लाइक करंट, जैसे आप देखते हैं करंट में से एक अर्थ निकलता है, इस तरह से ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के ज़रिए आपकी नर्व से ब्रेन तक, या ब्रेन से नर्व तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाए जाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन किस शक्ल का होता है, या न्यूरॉन की बॉडी किस तरह की होती है।